आपका बहुत बहुत स्वागत और साथ साथ धन्यवाद भी। मित्रों, जितने भी पर्व त्यौहार हैं वे सारे पर्व त्यौहार किसी न किसी रूप में हमें शिक्षा देते हैं या हमारे ज्ञान को समृद्ध करते हैं। पर्व त्यौहार से संबंधित घटनाएं कहानियों के रूप में या और किसी दूसरे रूप में शिक्षा के रूप में जो भी सामने हैं, जिसका हम वर्णन करते हैं, जिसका भी हम सुनते हैं, समझते हैं या सुनाते हैं, उन सारी घटनाओं कहानियों जो व्रतों से त्यौहारों से संबंधित हैं वे किसी न किसी रूप में शिक्षा देते हैं। उन्हीं व्रतों में रविवार का व्रत है। प्रत्येक सप्ताह रविवार को श्रद्धालु लोग व्रत धारण करते हैं और रविवार व्रत से संबंधित बहुत सारी कथाएं भी हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो किसी न किसी रूप में वो कथा हमें शिक्षा ही देती है। यह कथा एक पड़ोसिन का है जो ईर्ष्या का भाव रखती है। एक गांव में एक बुढ़िया थी और उसके बगल में एक पड़ोसिन रहती थी जिसके पास गाय थी। बुढ़िया रवि व्रत करती थी। दिन भर व्रत करने के उपरांत शाम को भगवान सूर्यदेव को पूजा करके तब प्रसाद ग्रहण करती थी और अपने घर को लीपने के लिए पड़ोसिन के गाय का गोबर का उपयोग करती थी। धीरे धीरे बुढ़िया का विकास होने लगा। यह देखकर पड़ोसिन जलने लगी, उसमें ईर्ष्या का भाव आ गया और सोचने लगे कि सचमुच में मेरे गाय के गोबर से पूजा करके ये इतना आगे बढ़ रही है, और उसने अपने गाय को घर में छुपा दी। अगले रविवार को जब बुढ़िया गाय के गोबर के लिए गई तो गोबर नहीं मिला और व्रत भी उसका पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया दुख से रात को बिना खाए हुए सो गई। रात को स्वप्न देखा कि स्वयं सूर्यदेव भगवान आकर पूछ रहे हैं कि बुढ़िया तुम क्यों दुखी हो। बुढ़िया सारी कहानी बताई कि मैं सूर्यदेव की व्रत करती हूँ और आज गोबर नहीं मिलने के कारण मैं व्रत को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए काफ़ी दुखी हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर सूर्यदेव ने कहा कि तुमको गाय मिल जाएगी और तुम अपने गाय से पूजा करना। सचमुच में जब नींद खुली दूसरे दिन तो बुढ़िया अपने आंगन में गाय को देखी, उसके साथ एक बछड़ा भी था। और बुढ़िया को जो स्वप्न में जितनी बातें सुनी थी वे सारी बातें सच होने लगी। बुढ़िया उस गाय को घर के बाहर बांध दी और अपने काम में व्रत में लग गई। पड़ोसिन जब उसके गाय को देखी तो काफ़ी अचंभित हो गई कि सचमुच में इसके पास गाय कहाँ से आ गई, अब तो और पूजा करेगी और मेरे गोबर का कोई महत्व तो नहीं है। लेकिन वो गाय जो सूर्य भगवान दिए थे उस गाय में एक गुण था कि वो गोबर नहीं बल्कि उसके जगह पर सोना देती थी। बुढ़िया को मालूम नहीं था और बाहर बांधती थी। उसकी पड़ोसिन ये बात जान गई और वो उसके सोने को वहाँ से हटाकर अपने गाय का गोबर रख देती थी। बुढ़िया इसको समझ नहीं पा रही थी, लेकिन सूर्यदेव भगवान इस बात को समझ गए और उन्होंने यह सोचा कि जिस काम के लिए बुढ़िया को मैं गाय दिया था वो उसे तो लाभ हो नहीं रहा है। और उन्होंने क्या किया कि एक रात माया से आंधी मंगा दिए
आंधी को देखकर बुढ़िया सुरक्षा के दृष्टि से अपने गाय को घर में लाकर बांध दी और दूसरे दिन उसको पता चला कि गाय गोबर नहीं देती है बल्कि उसके जगह पर ये महत्वपूर्ण द्रव्य को देती है। जब बुढ़िया को मालूम हो गया तो बुढ़िया अब उसकी सुरक्षा में लग गई और घर में ही उसको रखती थी। यह बात पड़ोसिन को मालूम हो गया और वो षड्यंत्र करने लगी क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करती थी और इस बात को राजा के पास पहुंचा दी कि बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोना देती है। राजा तुरंत उस गाय को अपने घर मंगवा लिए और पहरेदारों को उस गाय के चारों तरफ लगा दिए कि कोई इसके गोबर को न छुए। रात भर राजा सोए नहीं। दूसरे दिन गाय के पास जाकर देखे कि सचमुच में गाय गोबर के जगह सोना देती है कि ये झूठा सूचना हमें मिली है। लेकिन वहाँ जब राजा गए तो गोबर ही था और यह देखकर वो क्रोधित हो गए और बुढ़िया को बुलाए। बुढ़िया से पूछे कि सचमुच में तुम्हारी गाय सोना देती थी और यहाँ गोबर क्यों दे रही है। बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोसी की गाय के गोबर से पूजा करती थी, अपने घर को लिपती थी, लेकिन पड़ोसी गोबर देने से मना कर दी तो स्वयं सूर्यदेव भगवान मुझे गाय दिए। वह गाय सोना देती है, बस इतना ही मुझे मालूम है। अब क्या क्यों नहीं दे रही है, क्या है, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। और वो गाय जो सोना देती है वो हमारी पड़ोसिन के चलते ही आपके घर आई है क्योंकि ईर्ष्या से मुझसे वो गाय आपके द्वारा छिनवा ली। राजा सुनकर सारी बातों को समझ गए और उन्होंने कहा कि सचमुच में पड़ोसिन दंड के अधिकारी है। राजा उस गाय को बुढ़िया के घर पहुंचवा दिए और अपने राज्य में चारों तरफ सूचना फैला दिए कि सभी को नियम के अनुसार रवि व्रत करना है और राजा स्वयं रवि व्रत करने लगे। राजा भी दिन प्रतिदिन उनकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ने लगी, उनका राज्य बढ़ने लगा, राज्य के लोग खुशहाल हो गए, उनके राज्य में काफ़ी समृद्धि आ गई। मित्रों, कहानी तो धार्मिक दृष्टि से हम लोग इसको सुनने या सुनाने में कम ही विश्वास रखते हैं क्योंकि इसको मानते हैं कि ये धार्मिक है और ये घर की कहानी है और कोई ब्राह्मण आएंगे सुना देंगे और व्रत करने वाले या करने वाला जो भी है इसको सुनेंगे। लेकिन सचमुच मित्रों, ये कहानी शिक्षा से भरी हुई है। पड़ोसिन ईर्ष्या की तो उसे दंड मिला, तो सचमुच में ईर्ष्या न करने की शिक्षा मिल रही है इस कहानी के माध्यम से। और दूसरा कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत सब जगह होती है। बुढ़िया चुपचाप सत्य पर अडिग रही तो उसके अंततोगत वह जीत हुई। और राजा बिन विचारे अगर कोई काम करते हैं तो सचमुच में उसका उल्टा प्रभाव होता ही है। लेकिन सब मिलाकर अगर देखा जाए तो सचमुच में अगर ईर्ष्या करने वाली वो औरत पड़ोसी न रहती तो सूर्यदेव भगवान भी उस पर कृपा नहीं करते। मित्रों, कथा कहानी समझने जानने पर है। अगर समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं तो उसका महत्व है, अन्यथा कथा को जैसे सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, शंख बजता है, घड़ी घंट बजता है, लेकिन उसके बाद सारी बातों को भूल जाते हैं। पुनः सबको नमन और साथ साथ सूर्यदेव भगवान को नमन। और अभी
व्रत की जयकार, सबको नमन।